तो गाइस अभी मैं घास काट रही हूँ तो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो ये है, तो इसे पहाड़ी में बोलते हैं गुजी बाघ। तो देखिए, तो ये देखो, इसे बोलते हैं चटकुड़। जो है भाभी बना रही है भुट्टा। थैंक यू, धन्यवाद। ये है हमारी भाभी श्री। हेलो दोबड़ी, नमस्कार, प्रणाम, पलक। तो फिर से आपका स्वागत है तानी नी ब्लॉग में। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है सुबह 7 बजे से। तो यहाँ पे आ रही है सरिता फूल लेके, आज इनके आ रहे हैं मेहमान। तो यहाँ पे पापा जो है सुबह सुबह आ गए हैं खेत में और खेत में खोद रहे हैं। तो पापा, इसमें आप क्या बोल रहे हो? आलू की खेती हो रही है। तो इस बार तो इस बार इस खेत में पापा ने सारे आलू बो रखे हैं। बंदरों और सुअरों का जो है नुकसान है थोड़ा। तो बंदर वैसे कम आते हैं पर सुअर ज्यादा आते हैं हमारे वहाँ पे। सुअर बहुत ज्यादा आते हैं। और मौसम देखो आप, सुबह सुबह इतना कोहरा लग रखा है बहुत ज्यादा। और मैंने भी नाश्ता वगैरह बना दिया है और अभी जाती हूँ मैं घास को खाना वाना खा के। और मैंने अपने हाथ में जो है बैंडेड भी लगा दिया, निकल गया है। मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है गाँव में है। तो दोस्तों अभी अनुदी आई है यहाँ पे और अनुदी के बनानी है थ्रेडिंग और मेरे और के आटे के हाथ। फटाफट इनकी थ्रेडिंग वगैरह बनाती हूँ, मिलते हैं। और अभी सुबह के बजे हैं 7:30 के सोच का टाइम है। तो अनुदी की थ्रेडिंग बन गई है तो अनुदी से पूछते हैं। मस्त हो रही है बुल्ली है थ्रेडिंग। अमरूद थोड़के हैं बहुत ज़्यादा और ये जा रही है लड़की पता नहीं कहाँ। और यहाँ हमारे नींबू भी थोड़के हैं। है? और हमारे यहाँ पे जो है तिमिल का पेड़ भी थोड़के है। देखो घर पे ही तिमिल के पेड़ का। मैं फटाफट जो है काम वाम करती हूँ फिर मिलती हूँ आपको। तो फटाफट नाश्ता वगैरह करके फिर मेरे को जाना है घास को। देखो अभी धूप भी आ गई है, नहीं तो अभी तक तो मौसम हो रहा था बहुत ख़राब। मतलब ख़राब क्या, कोहरा लगा था। तो अब अच्छी खासी धूप आ गई, मैं भी फटाफट नाश्ता वगैरह करती हूँ फिर जाती हूँ। काम वगैरह मैंने सब कर दिया, बर्तन वगैरह सब धो दिए मैंने, अब जाती हूँ घास को। तो गाइस यहाँ पे योगिता भी तैयार होगी स्कूल के लिए और आज ये मेरे साथ घास काटने नहीं आएगी, शायद दिन में भी नहीं आ पाएगी। तो अभी मैं पहुंची हूँ ऊपर टुंडा और आज भी हमें वही नौपाल जाना है। तो थोड़ा सा बचा है तो आपको दिखाती हूँ कि यहाँ ना कैसा कोहरा लगा है। और अभी जो आप पीछे देख रहे हो यह है टुंडा और पीछे हो रहे हैं मक्के। तो वैसे तो अब जो लगू लगलू हैं सब निकाल दिए हैं। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसा हो रहा है आगे को। तो ये है टुंडा का मंदिर, ये शिव जी का मंदिर है। और पहले ना हम बचपन में यहाँ खेल करते थे, यहीं आते थे खेल करने के लिए, इस मंदिर के बगल पे खेलते थे। और अभी हम जो वहाँ जाना, देखो पूरा कैसा कोहरा लगाया, जो आप ये सब देख रहे हो ना कोहरा लगाया। मैं फटाफट जाती हूँ घास काटने के लिए, नाश्ता वगैरह तो करके आ गई हूँ ना, पापा ड्यूटी को जाएंगे और फटाफट घास काटने जाती हूँ। मैं घास काटने तो आ गई हूँ पर मुझे ना अपने आधे से आधे खेत पता नहीं है। वैसे जो हमारे खेत हैं वो तो पता है और मम्मी ने ना कुछ खेत ले रखे हैं ताई जी लोगों से, तो उनका मुझे पता नहीं है कि वर्ड कहाँ से है, कौन सा खेत हमारा है। तो ऐसे मैं पूछ पूछ के कभी मम्मी को फ़ोन कर रही हूँ, कभी ताई जी लोगों से पूछ रही हूँ। तो अभी बस इधर को हमारे 2 खेत और बचे हैं फिर हमारा जो है नौपार सकी जाता है। और मुझे ना अकेले आने में भी डर लग रही थी क्योंकि इधर को है कोई था नहीं ना घास काटने के लिए। तो वहाँ नीचे भाभी काट रही थी तो उनको देख के थोड़ा हिम्मत आई मुझे, क्योंकि अभी बाग बाग भी हो रही है ना इसलिए। और अभी तो आप पीछे देखो पूरा मौसम अभी खुल गया है, मस्त वाला हो गया है। मैं भी खेत में पहुंचने वाली हो गई हूँ तो आपको मैं अपना खेत दिखाती हूँ कि कौन से वाले खेत में आज मुझे घास काटना है। तो जो आप ये थुपुड़ देख रहे हो ये भी हमारा ही है। और कल मैंने ऊपर वाला खेत काटा, 2 काटे ऊपर वाले। आज ये मैंने पिछले वाले मंगलवार को काटा था और यहाँ पे भी पापा ने जो है थुपुड़ लगा दिए थे। मेरे को ना टाइम मिलता नहीं है, मंगलवार ही आती हूँ ना घास वगैरह काटने के लिए। तो अभी मुझे ये वाला घास काटना है। और उधर हमारा गांव है वहाँ पे, ये देखो इधर हमारा गांव है और मैं इधर आई हूँ। अब मैं ना फटाफट जो है घास वगैरह काटती हूँ।
तो दोस्तों मुझे ये वाला खेत काटना यहाँ से लेके वो कोने तक है, फटाफट काटती हूँ फिर मिलती हूँ आपको। अरे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो गाइज आपको अभी मैंने जो है आधा खेत काट लिया है, तो ये देखो ओ वहाँ से लेके ओ यहाँ तक मैंने काट दिया घास। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ पहले, तो इसे बोलते हैं पहाड़ी में चटकुर, ये देखो। और ये ना कपड़ों पे ऐसे चिपकते हैं कि निकलते ही नहीं है, तो इसीलिए ना पुराने वाले कपड़े पहन के आते हैं खेतों में घास काटने के लिए। अगर ये कुम्मर और चटकुर लग जाते हैं ना तो कपड़े हो जाते हैं पूरे ख़राब, और इसलिए हम पुराने कपड़े पहन के आते हैं। उतनी तेज़ तो लग नहीं रही, थोड़ा बहुत लग रही है, बट अब लगेगी मुझे ऐसा लग रहा है धूप। अभी टाइम भी बहुत कम हो रखा है, तो थोड़ा मैं काटती हूँ घास भी। मैंने ये वाला खेत तो हो कटने वाला है, फिर मुझे ऊपर वाले खेत में जाना है, तो अभी थोड़ा बैठी हूँ पानी वानी पीने के लिए। हालत देखो कैसी होगी मेरी, अच्छी। और ये हाथ ना दुख जा रहा है बार बार। अभी काम धाम के दिन है तो लोग सब पुटोफन एरीफन। तो अब मैंने ये वाला खेत पूरा काट दिया है वो वहाँ तक, अब मैं ऊपर वाले खेत में जाती हूँ। तो ये हमारे पेड़ का अमरूद है और ना टेस्टी हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। आज थोड़ा भूख लगी, पहले इसको खाती हूँ। मैं जाऊँगी 1 बजे जाऊँगी घर, अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो फटाफट काटती हूँ थोड़ा घास, फिर घर जाके भात बनाना है। अभी पापा का आने का टाइम हो जाता है ना ड्यूटी से, तो फटाफट पहले ऊपर वाला खेत काट के आ जाती हूँ घास का। तो गाइस जिसे पहाड़ी में बोलते हैं गुजी बाग, और देखो इस पे जो बाल लगे हैं ना ये, तो इससे ना अगर ये हमारे हाथों पे लग जाती तो हमारे हाथों पे पूरे बॉडी में खुजली लग सकती है। और ये ना बहुत, पहले तो अलग टाइप में गुजी बाग होते थे यार, अब पता नहीं क्या है यार, जब जब जमाना चेंज होते जा रहा है और ये कीड़े भी चेंज होते जा रहे हैं। ये देखो इन्होंने अपना कलरफुल है एकदम, ये लोगों की तरह कीड़ों ने भी अपना रंग चेंज कर दिया है यार। देखो लोग तो बदल रहे हैं, पर ये कीड़े क्यों बदल रहे हैं, गुजी बाग क्यों बदल रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। हमारे ज़माने में होता था इतना बड़ा काला गुजी बाग, अब ये कलरफुल वाला मैं फर्स्ट बार देख रही हूँ। ये इतने ज़्यादा और के पूरे खेतों में पूरा भर रखा पूरा खेत है गुजी बाग से, और इतने सारे कुम्मर वगैरह लग गए ना, देखो चिटकुल लग गए पूरा कपड़ों पे। तो मैंने ये वाला खेत भी काट दिया है, अब मैं जाती हूँ घर को, टाइम भी हो गया है 12:30 हो गए हैं और धूप भी बहुत तेज़ लग रही है, तो अब मैं घर को चल। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ घर को, और आपको ना अपने गांव का जो है नोहला दिखाती हूँ यहाँ पे। और इधर साइड को नोहपार बोलते हैं, तो इस साइड को नोहपार क्यों बोलते हैं ये भी बताऊँगी आपको। और अभी ना बहुत तेज़ की धूप लग रही है, तो जो है बहुत, अभी 12:30 बजने वाला है, तो मैं भी जा रही हूँ घर को, फिर पापा का अभी आने का टाइम हो जाता है ड्यूटी से, हम को भात वात बनाना है घर जाके। तो आपको ना यहाँ का जो है नोहला दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये है हमारे गांव का नोहला, शायद पानी तो है नहीं इसके अंदर, मुझे ऐसे ही लग रहा है, पर देखो इतनी साफ सफाई कर रखी है मस्त वाली। और इसके अंदर ना ये देखो इसके अंदर पानी नहीं है, बस अभी सूखा पड़ा है, तो इसलिए इस जगह का ना नोहपार बोलते हैं, नोहवार नोहपार। जैसे नोहवार हुआ नोहले के इधर साइड और नोहपार हुआ उधर साइड, इस नोहले की वजह से इस साइड को नोहपार बोलते हैं। और तो हमारे गांव के ना भी मतलब कुछ लोग तो अभी दिन भर खेतों में भी रहते हैं, पता नहीं कैसे रह जाते हैं, और मैं तो नहीं रह सकती यार, क्योंकि बहुत तेज की धूप लग रही है यार, और फिर धूप में तबीयत वबीयत भी ख़राब होगी तो हो गया, क्योंकि अब मेरा सीजन टाइम आने वाला है, तो अभी ऑफ सीजन है, इसलिए मैं भी पापा की हेल्प करने आई हूँ घर। तो कल भी छुट्टी है, तो कल भी यहीं रहूँगी। तो अब फटाफट गुड़ा लगाती हूँ, देखो मेरे को गुड़ा लगाना आता नहीं है, पूरा जो है वो हो गया। अब इसको घर को ले जाने के लिए घास है, घर पे भैंस भी है, उनको घास भी चाहिए अभी। तो दोस्तों ब्लॉगिंग तो ऐसी की जाती है, अब टाइम तो मिलता है नहीं, तो ऐसे काम करते करते जितनी ब्लॉगिंग होगी उतना मैं करूँगी अब आज के बाद, और डेली जो है ब्लॉग डालूंगी। और अब फिलहाल तो ब्लॉग तो बना दिया, बट नेट तो यहाँ पे चलता है नहीं, तो कब तक चलेगा वो भी देखते हैं, कैसे डालूंगी वीडियो। तो मैंने आज खाने में बनाया है दाल चावल, और नहा तो लिया है मैंने, बस कपड़े धोने हैं, और पापा भी आ गए हैं ड्यूटी से। अभी पापा गए हैं बगल पे ताई जी की तबीयत ख़राब हो रखी है, तो वहाँ गए हैं ताई जी की खबरवार पूछने के लिए। तो दोस्तों दिन में खाना वाना खा के हम थोड़ा सो गए थे,
मतलब मैं तो सोई गई थी, मैं अभी आँख मेरी खुली नहीं। अभी बजे हैं 4, तो हम फिर चले गए हैं घास काटने के लिए। तो आज हमें लगाना है थुपुड़, तो पापा आ रहे हैं पीछे से, तो मैं और पापा जाएंगे आज, क्योंकि थुपुड़ लगाना मुझे आता है नहीं। तो दोस्तों एक खेत में घास काट के आ गई हूँ, मैं जा रही हूँ पापा के साथ। पापा उधर जो है थुपुड़ लगा रहे हैं, घास बांध रहे हैं, और देखो मौसम कितना मस्त हो रहा है। हमें फटाफट थुपुड़ वगैरह लगाते हैं। यहाँ पे जो है पापा घास बांध रहे हैं, ये देखो नीचे हमारा है थुपुड़ है वो, और वो वाला भी हमारा थुपुड़ है। तो अभी हमने जो है ये सारी पूरी सब्जी है, देखो अंधेरा हो गया, और यहाँ पे हमारा जो है थुपुड़ भी लग गया है, ये देखो। तो इसके नीचे सौंग पाती बिछाया जाता है, क्योंकि बारिश से के पानी इस पर लगी नहीं, बारिश नहीं बिछाता हूं। मैं काम करता हूं। शॉर्ट काम कर भी हो गया। हमने घर के लिए थोड़ा घास भी काट दिया मैंने, अब फटाफट इसको बांटते हैं, फिर चलते हैं घर को। पहुंच गई हूँ मैं घर, मैं फटाफट बनाती हूँ खाना। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ तोरी की सब्जी, तो ये घर की तोरी की सब्जी है। तोरी खाते खाते हम हो गए बहुत परेशान, और अभी योगिता भी आई है, तो कल योगिता की जो है छुट्टी है, कल योगिता मेरे साथ आएगी डांस करने, तो हमें स्कूल जाना है। अभी हम जा रहे हैं भाभी के वहाँ पे, और भाभी बना रही है भुट्टा, तो आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे आदि पढ़ाई नहीं कर रही, बस ये नाटक कर रहा है पढ़ाई करने का। इस शख्स को देखो, खाली किताब खोला, मम्मी को धोखा दे रहा, अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा है। भाभी से बहुत थक गई है, और सोच भाभी की अच्छी सी प्लेट लगा रखी है। और तुम्हें क्या बना से दूर? ये बना रही हूँ मैं लापसी। तो बाप रे, शॉर्टकट शॉर्टकट काम, देखो दिन भर घाकट और रात है खाओ लपेश। और इनको आप बहुत बहुत बधाई देते हैं, इनकी जो है बिल्ली बिल्ली भी आ गई है, हमारी बिल्ली भी आ रही थी, हमारे बिल्ली के 4 बच्चे हो रखे हैं, ये देखो। उसी बाद में बहुत ज्यादा हुआ। पापा आपको कैसा लग रहा है फिर घर का काम करते हुए? हालत खराब हो गई है, खड़े खड़े नींद आ रही है। भैंस का भी, गाय घर का भी, गाय बच्चों का काम करना पड़ रहा है, घर का भी ड्यूटी। तो अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।